दोस्तों आज का जो डीडीएस हाउसिंग स्कीम चल रही है उसके बारे में आप दिखाए, तो ये सेक्टर 14 का ईडब्ल्यू सैंपल फ्लैट है। ये वेगस मॉल के जस्ट पीछे है और इसकी लॉबी एंट्रेंस लॉबी है बेसिकली, तो ये भी अच्छी खासी एक अच्छा मतलब एक अपर हाउस का एक व्यू देती है। ये आपका ड्राइंग रूम हो गया, ये आपका किचन, एक टू फैमिली मतलब दो लोगों की फैमिली के हिसाब से अच्छा है ये। और वैसे ये फिक्चर्स एंड फर्नीचर्स तो सिर्फ सैंपल के लिए हैं। ये आपका बाथरूम काफी सही है और जिस आपकी फैमिली के लिए टारगेट किया है उस फैमिली के लिए बहुत सही है। दिस इज योर सेपरेट लैट्रिन बाथ, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होगा कोई भी। ये है बेडरूम, बहुत अच्छे साइज का है, लाइक इसका साइज क्या है 8x11 का, ठीक है, मतलब एक डबल बेड आ गया अच्छा खासा। यहाँ पे आप अलमीरा बनवा सकते हैं, लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब मुझे पर्सनली देखा जाए तो ये बहुत अच्छा लगा, राधा देन 19B का तो घोसला सा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये इसका सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यूएसपी, दिस इज द बैल्कनी। बस टेरेस आपको यहाँ पे बहुत अच्छी टेरेस मिलेगी, लाइक लगभग ये 5 स्कूटियों की टेरेस है, लाइक आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं 1, 2, 3 और 2 ऐसी, तो इट्स अ वेरी बिग इन टर्म्स ऑफ, अगर घर की बात करें तो घर के हिसाब से बहुत बड़ी बैल्कनी है। और इसका साइज भी 8x6 का है, तो नॉट दैट बैड। और 1 BHK वन रूम सेट या EWS आप किस भी नाम ले सकते हैं इसका, एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। मैं अगर एक छोटी फैमिली की बात करूँ, दो लोग हस्बैंड वाइफ, और उनके लिए बहुत प्रैक्टिकल एक हाउसिंग कंसेप्ट है। एंड एरी है, वेंटिलेटेड है, लाइट का बहुत ध्यान रखा गया है, खिड़कियाँ अच्छी दी हुई हैं। तो अगर आप लोग ड्रॉ के लिए डाल रहे हैं, 11 तारीख को ड्रॉ है, तो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ऑन DDA.org एंड DDAHousing.org, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट दिस इज रियली वेरी गुड, 11 तारीख को इसका ड्रॉ है। फ्लैट बहुत है, तकरीबन 1000 के नंबर में फ्लैट्स हैं। सो आप प्लीज़ गो ऑन दी वेबसाइट, सी, चेक इट आउट। और सेक्टर 14 में है, मैं लोकेशन पिन कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। एंड यू कैन विजिट ऑल्सो बिफोर 11 सो दैट आप अपना मन बना पाएं, एंड इट इज़ रियली वेरी गुड। तो गाइज मिलते हैं एक नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ, जो अफोर्डेबल हाउसिंग, नहीं तो फिर देखते हैं आगे